आर वॉचिंग खबर फेस टू फेस। प्राइस तो प्राइस है, सेम कर दिखाया है। एक इसमें फोटो लेंगे क्या? एंड फर्स्ट प्राइस गोज टू hard-working students, talented teachers, bagging the second best school prize of the award. Now we are going back here to present the Pasaida. The first best ever school of the world, which is not of state board, ICSE board, which belongs to ICSE board. All the schools who are getting the best project prize, please note down that all the three projects will be going both everything, the junior, the senior, the teachers teaching in every category, whatever best school, please note that all the three will be going to the Sohel level. और ये प्राइजेस देने के लिए मैं आज के हमारे गेस्ट को कॉमर श्री अजय शर्मा सर को आमंत्रित करती हूँ, वाइस चेयरमैन ऑफ शारदा व्यासपीठ इंटरनेशनल स्कूल। थर्ड प्राइज गोज टू सेंट मैथ्यूज हाई स्कूल सरवान सैकली विद्या। सेकंड प्राइज गोज टू एमकेएस इंग्लिश स्कूल फ्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एमकेएस इंग्लिश स्कूल। ज्ञान पीठ शारदा इंटरनेशनल हाई स्कूल मलाड ईस्ट में यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन रखा गया था, जहाँ पर पार्टिसिपेट किया सेंट मैथ्यू हाई स्कूल के बच्चों ने। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। हमारे साथ सेंट मैथ्यू हाई स्कूल की प्रिंसिपल है लार्जी वर्गीज मैडम, आइए उनसे बात करें। मैडम, आपके बच्चों ने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया वो हमारे तजुर्बा बताइए। हमारा स्कूल भी पार्टिसिपेट किया, अच्छा है, कंग्रेचुलेशन टू द पी वॉट। तो सच अ वंडरफुल साइंस एग्जीबिशन अरेंज इन शारदा स्कूल, सो इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो मेनी एग्जिबिट्स आर देयर, मेनी स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग। टुडे जस्ट नाउ आई केम, तो इतना अच्छे प्रोजेक्ट्स है देखे, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अभी मैं देखने के लिए जा रही हूँ। अभी वेरी बिग साइंस एग्जिबिशन, वेरी गुड, दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, मेनी चिल्ड्रन विल गेट द बेनिफिट, और बहुत सारे नॉलेज इधर से शुरू हो जाते हैं, चिल्ड्रन कैन डू फर्दर। तो आवर स्कूल ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस एंड दे हैव डन टू थ्री प्रोजेक्ट्स दे ब्रॉट टू सी व्हाट यू द जज ऑल्सो हियर जजिंग द प्रोजेक्ट। आई डोंट नो, मे बी आई केम टुडे टू सी हाउ द स्कूल्स आर परफॉर्मिंग। आई एम ऑल्सो मे बी बहुत क्यूरियस है टू सी द प्रोजेक्ट्स एंड साइंस और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज, और मे बी पूरा क्रेज है ये सब देखने के लिए। आपको मालूम है हमारे स्कूल में भी ये सब काम चलते रहते हैं, झाड बोलो प्लांटेशन बोलो इन्वायरमेंटल एक्टिविटी में हमारे बच्चे भी बहुत हिस्सा लेते हैं। तो समथिंग इट इज पॉसिबल टू लर्न इज वेरी गुड, थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन टू पी वॉट फॉर अरेंज सच वंडरफुल साइंस एग्जीबिशन। थैंक यू वेरी मच। मिस सैफी अख्तर जमील अहमद, वी आर फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, आर स्कूल नेम इज सेंट मैथ्यूज हाई स्कूल, दिस इज माई टीम मेट विश्वकर्मा ज्योति। सो आर प्रोजेक्ट शोज अ सोसाइटी विच हैज़ ट्रांसफॉर्म द लिविंग पैटर्न। दिस इज द टू मॉडल सोसाइटी एंड अ स्कूल लोकेटेड इन द स्लम। दिस टू मॉडल सोसाइटी एंड द स्कूल्स आर कंस्ट्रक्टेड विद एम फॉर रेवोल्यूशनरी चेंजेस। फर्स्टली ऑल द ड्रेनेज वाटर इज कलेक्टेड इन अ स्टोरेज प्लेस where the unit of filtering water will take place, then this filtered water is used for plantation agricultural activities. So this society is succeeded in managing drainage water. This is an eco-friendly modular kitchen in which all kitchen waste, vegetable peelings are pushed toward a common organic manure pit. Same kitchen, same way is at each and every houses of the societies. So all the society's kitchen waste are collected in this pit. So like this way our organic manure is ready. So this organic manure is used by the societies for agriculture purpose and for plantation. The next specialty of this society is that the people here are using only natural pesticides made with
neem leaves, ginger leaves, bitter gourd leaves, soursop leaves, etc. This all leaves have strong pungent odor which keeps away insect. So this society is using only natural pesticides. They are sure that they are consuming 100% natural products. Here is a biogas plant which is used for producing gas and which is used for cooking. Big amount of waste which cannot be managed in this pit but can be used in this biogas plant. Here we found a solution of waste management. Zero waste of kitchen, zero waste of water and no waste of societies. So with some minor changes in the people, here are people to contribute good and sustainable lifestyle for the future. Some other changes that is seen in the lifestyle of the people here is, the people here know the harmful effects of microplastic. They say no to plastic cup and they are using coconut cup. They are washing body with natural scrubber instead of plastic materials. They live with nature and only using natural products. Through medicinal plants grown by them, they are making natural products. As they are committed to live with nature and only using natural products such as tulsi, mint, ajwain, ginger, garlic, etc. as kada. They are saying no to junk food and promoting millet as a major diet. As we know, awareness is the best way of spreading the message. So we started awaring people in our locality. We implemented various climate action in the classroom. From classroom, it reached to the society and societies. We are sure that this good message will definitely reach to the entire state and then full globe. So, through our project, we want to bring some small changes in our lifestyle. This will contribute to the well-being to our planet and ultimately us. So, let's change our lifestyle according to this practice and be the change makers for the environment. Thank you. स्वागत है हमारे चैनल में शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल हाई स्कूल में ग्रैंड साइंस एग्जीबिशन था जहां पर आपकी स्कूलों को काफी प्राइज मिला है तकरीबन 5 से 6 प्राइज मिला है और मुझे लगता है पी वार्ड में पूरे मुंबई में आपको सेकंड प्राइज आया है क्या प्रोजेक्ट था आपका हमारे व्यूवर्स को शेयर कीजिए हम लोग का बेस्ट प्रोजेक्ट था साइंस एग्जीबिशन में और ये सब पूरे जो ट्रॉफी जितना दिखते हैं पूरा साल का एक्टिविटीज़ है उसके अंदर देख सकते हैं ये साल में मतलब सॉन्ग्स में मोनो एक्टिंग में और एसे राइटिंग में और साइंस प्रोजेक्ट का जूनियर सीनियर ये सब हम लोग सिलेक्ट हुआ और कई प्रोजेक्ट है हम लोग का जोनल में भी सिलेक्ट हुआ तो इसके वजह से हम लोग को फर्स्ट रनर अप इन बेस्ट स्कूल कैटेगरी में हम लोग सिलेक्ट हुआ तो धन्यवाद बच्चों को मेहनत और क्षेत्र के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि सेंट मैथ्यू हाई स्कूल है जूनियर कॉलेज सबसे आगे हमेशा रहता है चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कॉम्पिटिशन हो एग्जीबिशन हो तो कितना आपको खुशी होता है बहुत खुशी है मतलब स्लम एरिया के अंदर जो लिमिटेड कुछ भी फैसिलिटीज़ के अंदर मतलब फैसिलिटीज़ आर लिमिटेड इनकम इज़ लिमिटेड एंड पुअर पेरेंट्स आर देयर चिल्ड्रन आल्सो उन लोगों को जो लिमिटेशन से उन लोगों को जो विंग्स जो है वो लिमिटेड है सो इसके अंदर अच्छी परफॉर्म करना टू कॉम्पीट विथ जो रिप्यूटेड स्कूल्स दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग सो इलिटेड पेरेंट्स हैं मोस्टली पेरेंट्स कैन नॉट हेल्प द चिल्ड्रन इन स्टडीज और सब कुछ स्कूल को डिपेंड करते हैं सब अपने स्कूल का बच्चे लोग फुल एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन स्कूल तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई टीचर्स दे आर डूइंग वेरी रियली हार्ड वर्क एंड द इनोवेटिव आइडियाज़ दे हैव इवन आई एम ऑल्सो प्रमोटिंग एवरीथिंग जो लिमिटेड स्पेस जो लिमिटेड थिंग्स है उसके अंदर से बेस्ट कैसा करेंगे वो हम लोग बच्चे लोग मेहनत करता है दिन रात मेहनत करता है हम लोग भी मेहनत करते हैं स्पोर्ट्स में आपका स्कूल आगे चाहे साइंस एग्जीबिशन हो स्पोर्ट्स हो कॉम्पिटिशन हो लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो एसएससी का जो आप रिजल्ट आया था मुझे लगता है पूरी मालवनी में आपका ही आपके बच्चे टॉप आए थे मालवनी में टॉप आया होगा वो मुझे मालूम नहीं है तो भी हमारे बच्चे लोग अच्छी रिजल्ट लाया ये साल में
और 100% रिजल्ट आया और मेनी मेनी फर्स्ट क्लास अबोव फर्स्ट प्राइज, मतलब 90 अबोव, तो हम सम 20 चिल्ड्रन दे सेकोड सम 90% अबोव प्राइजेस लाया, मतलब रैंक लाया. एंड वन चाइल्ड गॉट 96.40%, दैट इज ऑल वेरी ग्रेट. ही शी इज़ इन नाउ सम वेरी गुड बिग कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज शी स्टडी. ये सब देखो तो बहुत अच्छा है. ऐसा मालवणी का एकदम लास्ट लाइक बॉर्डर पे हम लोग है, तो इधर बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी. देखो बॉक्सिंग में क्यों आए हैं बच्चलोग, क्योंकि बच्चलोग के लिए एक ग्राउंड फैसिलिटी नहीं है. हम लोग बच्चलोग को लेके और दूसरा कुछ कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करा है. और रनिंग में कैपेबिलिटी है, लॉन्ग जम्प में है, लेकिन जैवलिन थ्रो में है, सब में बच्चलोग कैपेबल है, बट देर इज़ नो स्पेस हियर. तो हाउ टू डेवलप, इसके लिए बच्चलोग गुड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो. So everything, they are sports now. See, the message got now zonal competition, the children won, we got second prize. Now P-Ward vigyan pradarshan mein aapka experience kaise tha, bachchon ka experience kaise tha, kaise bachche log wahan pe present kiye project? Bahut acha hai. Actually hamara jo project pure bachche log innovative activities karte, hamara ek student hai, wo daily ek ek project bana ke leke aata hai. He is very intelligent boy. Many students are like that. सो वी आर प्रमोटिंग, हम लोग ये बच्चे लोग को जो सोसाइटी के अंदर का जैसा ये करिकुलम को डेवलप करना है, ये सोसाइटी के अंदर ये बच्चे लोग को जो जो चीज़ नहीं है उसके अंदर से कैसा ये लोग का करिकुलम डेवलप करके उनको अच्छे काम करने के. एग्जाम्पल में बोलते, देखो अभी का बर्निंग इश्यूज़ क्या है, ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है और क्लाइमेट चेंजेस है, ये सब. तो हम लोग अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम वी आर पुटिंग देट ऑल्सो इन चिल्ड्रन, लाइक प्लांट आप देख सकते हैं, तो पूरा प्लांटेशन वगैरह. तो इसमें बच्चे लोग को भी अच्छी नॉलेज है हाउ टू लिव विथ नेचर एंड हाउ टू हाउ वी कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस क्लाइमेट एक्शन प्लान. सो ये सब इनोवेटिव एक्टिविटीज से वी आर गेटिंग द प्राइज. आपने मैदान की बात की, ग्राउंड की बात की, तो मालवणी क्षेत्र में कहीं भी आपको कोई भी एक भी अच्छा ग्राउंड नहीं मिलता जिसको लेकर काफी स्कूल स्पोर्ट्स नहीं करते, तो कितना जरूरी है ग्राउंड्स, और उसके लिए आपकी जो स्कूल एसोसिएशन है क्या कदम उठाएगी कि यहाँ पे मालवणी क्षेत्र में ग्राउंड होना चाहिए? देखो मैं क्या बोल रहे, मालवणी में ICA मालवणी दूसरे देश में जा के देखेगा, तो पहले से भी इंटरव्यू बताया, मालवणी एक बड़ा देश का जैसा पॉपुलेशन है, आबादी कहा जाता है इसको, इंडिया. इसमें अभी देखो मैं कम से कम 24 कंट्रीज में विजिट किया, वो सब देश में देखेगा, तो मालवणी जैसा एरिया है एक देश का आबादी है, उसके हिसाब से उधर कुछ भी एक्टिविटीज है ही नहीं, नहीं प्रॉपर स्कूल, और स्कूल है तो फैसिलिटी नहीं है, और बच्चे लोग इतना टैलेंटेड बच्चे हैं, हम लोग इसको वर्ल्ड क्लास चैंपियन बना सकते हैं उसमें. तो बच्चे लोग के लिए अभी देखो जितनी ग्राउंड है उसमें देखो कोई भी जा नहीं सकते उधर, पूरा जो ड्रग एडिक्ट्स है और बॉयस लोग बैठते हैं तो उधर गर्ल्स लोग सेफ्टी नहीं है, और ये सब प्रॉब्लम है. तो गवर्नमेंट आगे आना चाहिए, इतना सारे लाखों बच्चों के लिए अच्छी स्कूल, गर्ल्स के लिए स्कूल और अच्छी ग्राउंड फैसिलिटी. गर्ल्स भी कम नहीं, गर्ल्स भी देखो पूरे हमारे स्कूल में बहुत सारा प्राइस विनर्स गर्ल्स है, तो ये बच्चे लोग को हम लोग कुछ टैलेंट बढ़ाने के लिए मौका एनवायरमेंट देगा, तो ये लोग टॉप लाएंगे, पूरे वर्ल्ड में लोग शाइन करेंगे. आप लोग आगे क्या कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्राउंड नहीं है, मैदान नहीं है, तो आप जो स्कूल के एसोसिएशन है अगर नहीं बन रहा है तो आप लोगों को क्या कदम उठा? हम लोग कुछ नहीं कर सकते. देखो गवर्नमेंट को हम लोग बोल सकते, गवर्नमेंट को हम लोग अप्रोच कर सकते, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन नॉट डू एनीथिंग. और हम लोग को जो जो स्पेस के अंदर से क्या क्या डेवलप कर, देखो बॉक्सिंग उसके लिए छोटा सा स्पेस चाहिए, लर्निंग उसके लिए छोटा स्पेस चाहिए, और ये सब छोटा सा ये जो प्राइज देखते हैं सब प्रोजेक्ट है, साइंस प्रोजेक्ट ये सब मैं काम करता हूँ. ड्रामा चाहिए तो ड्रामा में बच्चे लोग विन हो गया, उसके लिए एक क्लासरूम चाहिए, तो ये सब एक्टिविटीज हम लोग किए, बच्चे लोग ने इतना सारा प्राइस लाया. अभी देखो आपको साइंस एक्सिबिशन में देखा होगा, हम लोग कितना जो टैलेंट और कितना बड़े बड़े स्कूल को हम लोग बीट करके हम लोग सेकेंड प्राइस में लाया, कितना बड़े बड़े स्कूल को वो लोग बच्चे लोग 2 लाख 2.5 लाख फीस पे करते हैं. हमारे स्कूल में फीस कितना है, 700 रुपीज़, 650 550 फीस है.
तो ये जो लिमिटेशन के अंदर से हम लोग बच्चों को पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट करा के भेजते हैं, तो हम लोग को जो लिमिट, हम लोग को स्पेस मिलेगा, हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा जरूर. वी आर रेडी टू डेवलप आवर चिल्ड्रन, टू डेवलप देयर इनर टैलेंट. जो बच्चे लोग अंदर से छुपा हुआ जो टैलेंट हम लोग बाहर निकाल के उनको अच्छे डेवलपमेंट करने को तैयार है, तो भी गवर्नमेंट आगे आके एक एक स्कूल को देखी हम लोग को ये प्रॉब्लम को सॉल्व होना चाहिए. आपको चार रोटेटिंग ट्रॉफी मिला है, ये रोटेटिंग ट्रॉफी क्या है? ये रोटेटिंग ट्रॉफी बोले तो ये देखो बेस्ट स्कूल का मिला है सेकंड प्राइज, मतलब फर्स्ट रनर अप है. ये तो नेक्स्ट ईयर और जो अच्छा परफॉर्म करते वो स्कूल को जाएगा. ये पूरे जो ट्रॉफी से वापस जाने वाले है, ये पूरा ट्रॉफी इसके लिए, इसका साल नहीं लिखा है, ये पूरा हम लोग के लिए. तो ये पूरा ओवरऑल बेस्ट ट्रॉफीज है फर्स्ट प्राइज वगैरह. इसमें हमारा ये प्रोजेक्ट हम लोग को सिलेक्ट होके जोनल में गए. तो ये जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया था, तो उनको ट्रॉफी के साथ क्या क्या मिला? सर्टिफिकेट मिले हम लोग को, स्कूल का बच्चों को, वो सब विनर्स को हम लोग एक साल का फीस उन लोग को फ्रीशिप देते हैं हम लोग. मैं मेरा तरफ से ये पूरा एनकरेजमेंट में देते हैं बच्चों को. अभी भी देखो साइंस में हम लोग को प्राइस मिला. अभी कितना ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, तो दो ट्रेन आएगा तो कोलाइड हो जाते हैं, तो सिग्नल का प्रॉब्लम है. तो ऐसे बच्चे लोग ने प्रोजेक्ट बनाया, तो वो जो ट्रेन ऑटोमेटिकली आके रुक जाएगी. तो ये सब ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ बच्चों को माइंड में है, तो इसके लिए हम लोग को प्राइस मिला. तो देखो ये आप सोचो मालवनी के अंदर के बच्चे लोग इतना बड़े बड़े स्कूल का सब फाइट करके भी करके प्राइस लाया, ओवरऑल चैम्पियन लाया. तो आई एम थैंकफुल. बनाने के लिए कितनी तैयारी करना पड़ा और जो प्रोजेक्ट बना है इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहिए? जो है टीचर्स है, वो जो बच्चे हैं जो एक्टिविटी किया है, सबके लिए मैं क्रेडिट देती हूँ. तो कितना तैयारी करना पड़ा आपने? नहीं नहीं उतना नहीं, बच्चे लोग देखो कंटिन्यूसली वो लोग कुछ ना कुछ करते, उसमें हार्डली हम लोग 1 वीक नहीं तो 15 डेज इसके लिए स्पेंड करते, ज़्यादा टाइम नहीं, क्यों ऑलरेडी बच्चे लोग को जो है आइडियाज है. और ऐसे नहीं मालवनी का, हर एक स्कूल के बच्चे लोग वेरी गुड, दे आर डूइंग परफॉर्मिंग वेल. उधर क्या कमी है? गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, बीएमसी का सपोर्ट चाहिए. अभी मालवनी में ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते एक भी स्कूल खराब है, हर एक स्कूल अच्छा है. आप लोग एसएससी का रिजल्ट देखो, मालवनी का बच्चे लोग कहाँ तक पहुँच गए, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते खराब, ऐसा वर्ड गलत है हम यूज़ करें तो. All schools are good, all schools are good. Only they, we need facilities. We need government support. We need BMC support. Nothing else.